अभी भाई, हमने 2 दिन पहले देखा था कि आपके नाम पे बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि आप जो है काफ़ी लोगों का नुकसान करने के लिए चीता कैंप में आगे बढ़ रहे हैं। और बताया, पूछा भी आपसे ये गया है कि क्या ऐसा इंसान जो लोगों का नुकसान करता है उसको राजनेता या नेता बनना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी मेरा ये इंटरव्यू है, ये पूरी तरह से आप लोगों ने मीडिया में डालना चाहिए। सबसे पहली बात, मेरे पॉलिटिकल कैरियर में सबसे पहले बार मतलब मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, बहुत बड़ी बात है। और इल्ज़ाम लगाने वाले ऐसे हैं कि जो अल्लाह के बाजू के घर वाले हैं, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, समझे? कि कंस्ट्रक्शन का मतलब किसी का कंप्लेंट किया। आज तक के मेरे पूरे पॉलिटिकल कैरियर में मैं हमेशा सभी का घर बचाने का काम किया। बहुत सारे उदाहरण से चीता कैंप में, पालीपाड़ा में, हर जगह पे बहुत सारे उदाहरण है इसके, जिसके हमने घर बचाए। जहाँ तक पालीपाड़ा के कंप्लेंट की बात है, तो हाँ, मैंने पूरे पालीपाड़ा के कामों का कंप्लेंट किया। उसका वजह है, वजह ऐसा है कि हॉस्पिटल का तीनों 3 साल से मेरे लगातार कंप्लेंट किया जाता है कि ये है वो है। लेकिन ठीक है कि हम अपनी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा है। उसके बावजूद भी अगर कोई कंप्लेंट करता है, उसको उसके लेवल पे हम लोग जवाब देंगे। मगर मेरे सामने मेरे एक रिलेटिव का घर है, वो घर है चीता कैंप में, जी सेक्टर में, हॉस्पिटल के सामने। अभी यहाँ पे कंप्लेंट करते करते लोगों का मतलब जो भी है पीछे, वो कंप्लेंट करवाते करवाते यहाँ तक पेट नहीं भरा तो यहाँ पे आ गए कि बोले इसको ये तोड़ो। आपको मैं बताता हूँ कि उसके अंदर कोई भी मतलब जैसा सबका घर है चीता कैंप में, वैसा ये भी घर है। और उसके ऊपर, कैमरे के ऊपर बताऊंगा कि सिर्फ देखो 3 कॉलम है, 3 कॉलम, इतना ही बड़ा था 3 कॉलम। जैसा वो ये हुआ वैसा है ना, बीएमसी में जाके उसका भी कंप्लेंट हो गया। वहाँ के ऑफिसर्स ने बोले कि शब्बीर भाई, वापिस तुम्हारे हॉस्पिटल का नहीं, अभी तुम्हारे इधर का भी है ना कंप्लेंट आया। अरे मैं बोला ये तो 5 साल जूना स्ट्रक्चर है, 5 साल जूना स्ट्रक्चर है, मगर इसको क्या है? नहीं, बोलते कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है, मैं बोला क्या चीज़ का तकलीफ है? तो बोले नहीं, क्या मालूम, नहीं क्या समझ में नहीं आता। तो मेरे समझ में आया कि ये कॉलम है, मैंने वो कॉलम को मेरे इससे तोड़ दिया, मैंने मैंने खुद ही आदमी लगा के तोड़ दिया। मतलब काई के लिए, किसी को बेवजह मेरे वजह से बीएमसी के अधिकारियों को क्यों तकलीफ होना चाहिए, बोल के मैंने निकाल दिया। मैं निकालने के बाद में मैंने वो फोटो भी बीएमसी को भेज दिया कि ये था, इसके अलावा और कुछ है तो बताइए। मैंने ये पूरा चीज निकाला जो है तकरीबन 20 दिसंबर के टाइम में निकाला। निकालने के बाद में ताबड़तोड़ दूसरे तीसरे दिन वापिस से चालू होता है कंप्लेन करने का, तो भी बातचीत चालू है। मतलब मैंने ऑफिसर्स को बोला, अभी जो था वो तो निकाल दिया, तो नहीं बोलता अभी इसका भी कंप्लेन है। अरे मैं बोला 5 साल जूना स्ट्रक्चर है, तो बोलते हाँ वो तो है, क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा सारा चीज चला, तो मतलब इसमें अभी क्या कंप्लेंट, अभी जो ये है इसके अंदर क्या कमी है वो बताओ, वो भी कर देता हूँ मैं, तुम मेरे को माफ करके दे तो मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद, उतना बोलने के बाद में बातचीत चालू थी। मैं तो निकालने के लिए ये निकाला, बाकी के भी निकाल देता था। निकालने तक में बीएमसी से ऑफिसर से मैं बात कर रहा हूँ, शाम तक हम लोग साथ में थे। दूसरे दिन देखता है तो 7 तारीख को लाके नोटिस चिटका दिए 3Z की। मतलब ये प्रेशर टैक्टिस, हो सकता है उसके अंदर
कंप्लेंट करवाने वाला, कंप्लेंट करने वाला और इंजीनियर्स, ये सारे लोग मिलके ये खेल खेल रहे थे। ठीक है मामला, तो मैं जाके मैंने क्या किया, मेरे वकील के थ्रू पहले उस नोटिस का मैंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में मैंने ऑफिसर्स को बोला कि मैंने आपको बोला था कि जो जो अनऑथराइज चीज है वो बोलना मैं निकाल दूंगा, उसके बावजूद भी तुम मुझे नोटिस दिया। ठीक है, अगर रहने वाले घर को तुम नोटिस देते हो तो पालीपाड़ा में इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है, ग्राउंड प्लस 4 का 5 का 5,000 square feet का, वो भी है ना चुटकी में है ना तैयार हो जा रहे, उसका क्या। तो उसमें एक कुशाले साहब है, वो बोले कि है ना अगर हमको राइटिंग में कंप्लेंट आएगा तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे को इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनने के टाइम राइटिंग में कंप्लेंट करने का इंतजार है क्या। ठीक है, अगर तुमको राइटिंग में ही करना है तो मैं मेरे लेटर हेड पे तुमको कंप्लेंट करूंगा, बराबर। तो ये बात है 7 तारीख का, और 8 तारीख को मैं जाके देखता हूं ना पालीपाड़ा में। देखो गौर से सुनना, ये पालीपाड़ा में जाके मैं राउंड मारा, मैं कभी ज्यादा जाता नहीं वहां पे, राउंड मारा। राउंड मारने के बाद में पता चल रहा है कि एक स्ट्रक्चर का 5,000 square feet का काम चालू है, उसका स्लैब का काम चालू है। देखो 8 तारीख है, 8 तारीख डेट के साथ में फोटो है ये 8 तारीख को पहले स्लैब का काम चालू है। मैंने बोला देखो, मैंने उनको फोटो भेजा। फोटो भेजने के बाद में मैंने बोला देखो आपको 150-200 square feet का काम 5 साल पहले हुआ, उसका तकलीफ है, ये 5,000 square feet का काम चालू है उसका क्या। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी है, व्हाट्सएप चैट भी है, और जो जो मैंने बोला था ना इनको वो सारा व्हाट्सएप पे भी है मेरे, कि कितना और निकालना है बोलो, वो सारे प्रूफ है मेरे पास। ये व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा और उनको मैसेज दिया, वो कुशाले साहब को दिया, कटारे साहब को दिया, बागमारे साहब सबको दिया। और इत्तेफाकन है ना उसके बाद में मैं, ये 8 जनवरी का है, 8 जनवरी के बाद में मैं है ना जरा कामों का जरा फॉलोअप लेने को लगा, तो क्या पता चलता आपको मालूम है क्या, कि जो स्लैब 8 तारीख को पहला स्लैब गिर रहा था ना, वो 31 तारीख को है ना चौथा स्लैब गिर रहा है। 22 दिन में 4 स्लैब 5,000 square feet का, क्या क्वालिटी और क्या तरीके से काम कर रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का काम यहाँ पे हो रहा है, बराबर। और ये भी मैंने भेजा, बराबर। ये सब भेजने के बाद में तभी तक मैंने कोई लेटर डाला नहीं, मैंने लेटर फेब्रुअरी महीने के 20 कितना, हाँ फेब्रुअरी महीने के 10 तारीख को डाला, 10 तारीख को, फेब्रुअरी महीने के 10 तारीख को मैंने लेटर डाला, मुझे नोटिस मिलने के 1 महीने के बाद में, बराबर। और जब मैंने पालीपाड़ा में ध्यान दिया तो ये पता चल रहा है कि ये सारा चीज हो रहा है। पालीपाड़ा में क्या चलता है मालूम है क्या, जंगल को काट काट के आगे आधे पहाड़ तक चले गए, हो सकता है इसके अंदर मेरे रिश्तेदार भी है, बराबर। और वहां पे भी मेरा जाना इसलिए हुआ कि कोई वहां पे काम कर रहा था पालीपाड़ा पे ऊपर, जंगल को काट काट के, फोटोज देखो, फोटोज सब मालूम पड़ेगा आपको कि जंगल को काट काट के यहाँ पे है ना काम हो रहा। वो होने के बाद में मैं जाके कंप्लेंट डाला, मैं बोला इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। और मेरा तो मैं मेरी लड़ाई तो मैं भूल गया कि ठीक है मेरा है, बनेगा बनेगा, टूटेगा टूटेगा, जो होने का वो होगा। लेकिन 20-20, 22-22 दिन में अगर स्लैब गिर रहा है, स्लैब चार चार स्लैब गिर रहा है, तो सोचो ना कैसा कितना अच्छा क्वांटिटी का काम हो रहा, बराबर। तुम बेच के तो निकल जाओगे, बीएमसी के लोग क्या, बीएमसी के लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को अपना पैसा मिल जाएगा, लेने वाले कौन है, जो गरीब है बेचारे, एक एक जैसा बोलते हैं ना कि एक होशियार इंसान बोल रहा था ना कि घर बनाता है एक एक पैसा जोड़ के, तो मैं भी वैसे ही बोलता हूँ कि एक एक पैसा जोड़ के अपना घर खरीदता है, उसके साथ तुम ऐसा खेलोगे, बनाना है अच्छे से बनाओ, अच्छे क्वालिटी का बनाओ। मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं चाहता था ना तो बहुत कुछ मैं इसके ऊपर
लड़ सकता हूँ, लेकिन ये देखो ये नोटिस है मुझे 4 तारीख को मिला, 3Z की नोटिस, उसके बाद में मैंने ये किया। उसके पहले और एक उसको ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखा था, मैं दो तीन चीज का क्लियरेंस करूंगा कि बोले कि पापा भाई का घर बन रहा था और उसके अंदर भी मैंने कंप्लेंट डाला, तो पापा भाई का जो घर बन रहा था, मतलब पापा भाई का ये कोई पहला घर तो नहीं बन रहा है, समझे कि नहीं। उनका तो ये तरीका ही है कि कोने का घर खरीदने का, आजू बाजू का सारा चीज को कब्जा करने का, और ऐसा चलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वहां के गली वाले का कंप्लेंट था, लगातार वहां पे है ना झगड़े चल रहे थे। झगड़े चलने के बाद में गली वाले के कुछ लोग मेरे पास आके बोले कि शब्बीर भाई BMC को हमने कंप्लेंट डाला, BMC उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, कंप्लेंट का कॉपी लेके हमने फॉलोअप किया, बराबर उसके अंदर भी लोगों को घास ले रही है वो, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि पापा भाई के पास घर नहीं है रहने को और इसके लिए वो बना रहे हैं और मैंने कंप्लेंट किया, और सही, और एक जी सेक्टर में घर है, गली कब्जा कर रहे, सारे चीज को यही चीज है कि सब लोग करते रहने का, अपन देखते रहने का, क्या हालत हो गई चीता कैम्प की, चलने के लिए जगह नहीं बचे अभी, ठीक है कि तुमने रोड रोड को कम करते जा रहे, गली को कम करते जा रहे, लोग लोग चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। के सेक्टर में तो ठीक है, यूटिलिटी स्पेस चली गई है, ये चला गया है, वहां पे भी हद हो गया है कि जो 8 फुट का नाला है, नाले के ऊपर है ना 3-3 फ्लोर बन गए, बराबर। अरे हमारा छोड़ दो, लोगों का छोड़ दो, तुम है ना किस जगह पे कैसा घर बना रहे देखो ना, कल जाके तुम्हारी फैमिली को तकलीफ होने वाला है, लेकिन कोई उस चीज के ऊपर सोचता नहीं है। और मैंने किया तो मेरे मतलब मैंने इस चीज का फॉलोअप किया कि है ना ये जब गली वाले कंप्लेंट कर रहे तो तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और हाँ एक खास बात कि मैंने जो कंप्लेंट मैंने BMC के ऑफिसर्स को, मैंने उसके अंदर BMC के ऑफिसर्स को स्टार्टिंग में बोला, जब प्लिंथ का काम चालू होता है, पापा भाई का या किसी का प्लिंथ का काम चालू होता है, उसका भी फोटो है मेरे पास, वहां पे अगर BMC के ऑफिसर चाहते थे तो उस टाइम पर उनको बोल सकते थे कि तुम तुम्हारी जगह में बनाओ। BMC के लोगों को क्या, उनका जो मिलने का रहता है वो मिला रहता है, उसके बाद में बना लो, बाद में मतलब सब ये बनने के बाद में तो कोई भी रिएक्ट करेगा ना, पापा भाई का बेटा अगर घासलेट डाला तो उसका नुकसान हो रहा है, इसके लिए वो डाला, बराबर। लेकिन BMC के ऑफिसर्स, मेरे को किसी का भी शिकायत नहीं है, ये सारे एपिसोड के अंदर शिकायत है तो BMC के ऑफिसर्स का है, क्योंकि वो ये सब करने को देते हैं लॉ मतलब तरीके से, अगर जो भी कंप्लेंट है अगर टाइम इन टाइम अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आती थी ना, ऐसा ये है। लेकिन उसके बाद में ठीक है कि वो ये किया, ये चले गए, यही चीज है, करते रहो, अच्छी बात है। बात अगर एलिगेशन की बात करें, जो राजू भाई ने जो एलिगेशन किए हैं आप लोग पे, आप पे, तो उसमें यह है कि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इनकम ऑफ सोर्स के बारे में आप क्या डिक्लेरेशन करेंगे? देखिए मैं इनकम ऑफ सोर्स के बारे में है ना वो मैं, ये टॉपिक है ना, ये सवाल बाद में लो, उसके पहले और एक एलिगेशन था। इस्माइल भाई मेरे पास खुद आए, क्योंकि इस्माइल भाई को मैंने गाली दिया, तो इसके लिए वो इस्माइल भाई उनके पास गए, तो इस्माइल भाई का भी क्लियरेंस देना आपको है ना जरूरी है। इस्माइल भाई और क्रिसेंट स्कूल के सारे ट्रस्टीज, उसमें इस्माइल भाई भी इन्वॉल्व है, ये लोग मेरे पास अपने एक काम के लिए आए, मेरे एक काम के लिए आए, और काम के उनका अमरनगर में कोई घर है, कोई घर का ये चालू था, अमरनगर का मैं सेक्रेटरी हूँ, उसके लिए मेरे पास आए, सारा चीज हुआ, उनका प्रॉब्लम जो भी था वो सॉल्व करके दिए। सॉल्व करके देने के बाद में हमारे पास साजन भाई है, आईनॉक्स वाले कंप्यूटर क्लासेस चलाते नहीं है, उन्होंने पालीपारा में एक जगह का डील किया था, डील में ऐसा था कि उन्होंने पैसा लगाया था, अपना सारा घर पालीपारा चीता कैंप का बेच के वहां पे उन्होंने
लिए थे, लेकिन वहाँ पे वापिस से उनके साथ में कोई फ्रॉड हुआ क्या नहीं हुआ, उनको वो जगह मिला नहीं। और वो काफ़ी सालों से ये लड़ाई लड़ रहे, कानूनी लड़ाई, वो पूरी तरह से हर जगह का है ना फॉलोअप करते करते आए हैं, रोज कंप्लेंट डाल रहे हैं कि मेरा ये है वो है, कोर्ट के ऑर्डर से, ये सारे कोर्ट के ऑर्डर है, मतलब स्टे रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो जाए, बहुत सारे चीज के कानून, उसके बाद में भी वो आदमी को इंसाफ नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल के साथ में रिलेटेड रखता हूँ, इसके लिए मुझे मालूम है कि उनकी बीवी की डिलीवरी के टाइम में उनके ऊपर क्या बीती मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया हम लोग को मालूम है। वो बंदा है ना इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, उसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, मतलब तुम्हारे खुद के फायदे का तुम देखने का, दूसरा एक गरीब आदमी के ऊपर इतने मुसीबत आई है उसका कौन देखेगा। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे साजन ने बोला भाई अभी है ना क्रिसेंट वाले लोग वो जगह लेने वाले हैं, जरा आप बात करोगे तो है ना मेरा मसले हल हो सकते। वहाँ उस दिन मैंने इनको सारे लोगों को मैंने समझा के बोला तुम्हारा जमाती भाई है, तुम्हारे जमात से ही ताल्लुकात रखता है और बहुत तकलीफ में है, अभी तुम लोग अगर वो स्ट्रक्चर लेने को जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बाजू में अच्छी बात है तुम लो अच्छा ये करो स्कूल को, लेकिन अगर तुम लेने को जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि वो बेचारा बहुत तकलीफ में है, बराबर है। उसमें इस्माइल भाई बोलते नहीं नहीं हमने पूरा पेपर चेक किया है, पेपर के अंदर सारा चीज़ क्लियर है, हमारे वकील से बात हो गया है। मतलब वकील से बात हो के मतलब नहीं, इंसानी तौर पे भी मालूम पड़ना चाहिए, तुमको भी मालूम रहेगा कि साजन भाई ने वहाँ पे पैसा लगाया है, उनके घर के लिए लगाया, उनको नहीं मिला, मतलब देखो तुम कुछ रास्ता निकालता है तो। उन्होंने वो बात को नज़रअंदाज की है, और थोड़े दिन के बाद में साजन ही आके मुझे बताया कि ये जगह वो लोग ने खरीद लिए। मतलब अभी देखो क्या कर सकते हैं, इंसानियत ये है, बराबर, बच्चों को तुम पढ़ाते हो एक बाजू में और ऐसे जगह पे तुम दूसरे जगह पे ना इंसाफी भी करते, गलत बात है, हमने कुछ नहीं दिया। मगर रॉयल पैलेस के सामने की जगह इस्माइल भाई डेवलप करने को जा रहे थे तो मेरे पास आए, जरूर आए, मैं निकला घर से, मेरे को मेरे घर के सामने ही मिले, बोलते शबीर भाई मैं बनाने को जा रहा है, मतलब तुम, मैं भड़क गया, मेरा अचानक में मेरा, मैं बोला तुमको शर्म आया है कि नहीं है, मैंने ये मतलब एक गरीब आदमी का ये चीज़ था, तुम उसके ऊपर इंसाफ नहीं कर रहे हो मेरे पास, मैं ना कोई तुम्हारे को मदद, मतलब मैंने है ना झिड़की देके इस्माइल भाई का घर बनने के टाइम में भी मैं मदद किया हूँ, वहाँ पे भी है ना जब ऊपर घर बन रहा था तो क्या मुसीबत में, तो तुम उनको पूछ सकते, लेकिन अपने को वो सब चीज़ में जाना नहीं है। मैं बोला नहीं नहीं, ये मैंने उनको झिड़की देके भगा दिया, लिटरली हकीकत है कि तुम जब एक गरीब आदमी का इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम मेरे पास मदद मांगने को क्यों, मैं तो तुम्हारे से मदद मांग रहा था ना, बराबर। लेकिन जैसा हर जगह पे दलाल घूमते रहते ना, मतलब कोयला कोर्ट के पास कभी गए क्या, वकील लोग है ना हाथ पकड़ के खींचते हैं, कुछ काम है बोलो कुछ काम है बोलो, वैसे यहाँ पे भी दलाल लोग घूमते रहते। जैसे पता चला कि मैंने इस्माइल भाई को झिड़की दिए तो इस्माइल भाई को लेके चले गए मदद के लिए। पुलिस स्टेशन में भी वही हालत है, कौन दलाली करता है, कौन कहते घूमता है, सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं, वहां पे पूछते कुछ काम है तो बोलो, ऑफिसर से बात करूंगा कुछ काम, मतलब ये चलता है। तो फिर तो वैसे लेके गए, लेके जाने के बाद में क्या हुआ वो इस्माइल भाई के दिल को कुछ मालूम रहेगा, उसके ऊपर मेरे को बोलना नहीं है। तो दोनों ये सारे चीज को मैंने क्लियर किया, और जैसा आप लोगों का मेरे ख्याल से सबका एक सवाल रहेगा और चीता गेम के लोगों का भी एक सवाल है होगा अभी मन में कि मेरा इनकम सोर्स क्या है। भाई इनकम सोर्स के ऊपर तो बात होनी चाहिए ना आपकी, क्योंकि ये एक बड़ा एलिगेशन लगा आपके ऊपर। नहीं नहीं, दो एलिगेशन जो काफी बड़े हैं, उसमें पहला एलिगेशन तो ये है कि इनकम सोर्स। नहीं नहीं, इनकम सोर्स के बारे में बहुत अच्छी बात है ना, और वो भी है ना जो मस्जिदों के इमाम है और जो अल्लाह के बाजू के घर वाले, वो मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मेरा इनकम सोर्स के बारे में अगर किसी को भी मालूमात करना है ना, तो इनकम टैक्स ऑफिस इतना बड़ा है, और तुम तो बोलते हो ना कि मेरा तो यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता है, देश के लिए मैं काम करता हूँ, तो ये उसमें ही चाहता है मैं इनकम टैक्स कितना भरता हूँ, मेरा सोर्स क्या है, कहाँ से मेरा पैसा आता है, मैं कौन से कंपनी में डायरेक्टर हूँ, क्या है, वो सब पता चल जाता।
इसमें बोलने की क्या जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज चैनल के ऊपर बोलूंगा कि मैंने आज तक मेरे बच्चों को मेरे बीवी को कभी हराम का नहीं खिलाया, इतना खाली मैं बोलूंगा। बाकी का किसको इनकम सोर्स के बारे में बात करना है ना, इनकम टैक्स ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इनकम टैक्स भी भरते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं और सारा है ना आईटी। मेरे ख्याल से अभी 31 तारीख को मैंने सीए को फाइल सीए के पास पड़ी है, सीए का भी नाम चाहिए और पता चाहिए तो भी दे दूंगा। भाई आपने जैसे बताया कि अभी तो इनकम सोर्स के बारे में, एक चीज़ और सवाल की गई थी कि किसी से आपने 20 लाख रुपए और कुछ फ्लाइट वगैरह लिए हैं, इसके बारे में क्या क्लियरेंस देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्लियरेंस क्या देने का उसके, इसके अंदर क्लियरेंस क्या देने का। आज अगर मैंने कंप्लेंट किया, एलिगेशन तो बहुत सारे होते हैं, एलिगेशन तो बहुत सारे होते हैं ना, उसके अंदर अगर अगर ये कर रहे कि 20 लाख रुपया दिया, 20 लाख रुपए मांगा मैंने, रूम भी मांगा ऐसा, तो आधा ही बोल रहे लिया है आपने, आपने लिया है 20 लाख का रूम, सामने वाले मतलब सामने नहीं आ रहे मगर वो ये जानते हैं कि आप जो है आओ ना सामने, देने वाले को भी सामने लाओ, कैसे दिया वो भी लाओ और ये भी लाओ, सर चीज का होना चाहिए ना, सामने होना चाहिए, लाओ ना कैमरे पे। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि ये मांगा और वो मांगा, सबसे पहले बात तो मेरा ये सवाल है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा खुद का जो घर है ना वो तुम बना नहीं पा रहे थे, 9-9, 10-10 बार बीएमसी ने तुम्हारा घर को तोड़ा, बराबर है। उसके बाद में तुम मेरे पास नहीं आए, मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारा भाई उस चीज का सारे चीज का गवाह है कि शब्बीर खड़ा हुआ, रास्ते हमने निकाले तो जाके है ना वो घर बना, तुमने मेरे को कितना पैसा दिया उस चीज का, बराबर है। इल्जाम बहुत लगाना बहुत बड़ी बात है, हवे में बहुत बड़े हवे में है ना, और कुछ कुछ लोगों की बातें सिर्फ हवे में रहती है, तो उसके ऊपर तुमने लगाया। मैं चाहता हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा वीडियो, मैंने मालूम रहेगा तुम्हारे को कि अच्छा हो गया ये वीडियो रिलीज हुआ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली है, मैं तो डिफॉर्मेशन फाइल भी कर सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टू प्रूव इट कि तुमने मेरे को 20 लाख रुपया दिया, तुम्हारे पास लोग है। लेकिन और कुछ सवाल है, राजू भाई ने कहा था कि आपका जो वो घर जो है और उस घर की अगर आपने एक ईंट भी तोड़वाई तो पूरा तोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये खुली धमकी दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहें। देखो धमकी देने और एक बात ये भी है कि आपको और आपकी सास को उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था स्ट्रक्चर के बनाने से पहले। नहीं नहीं मैं अभी भी है ना, मतलब ये तो बेवकूफी है ना कि है ना कंप्लेंट, और ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने किसी एक इंसान का कंप्लेंट किया नहीं है, एंटायर पाइलीपाड़ा की वर्किंग के ऊपर मेरा सवाल है। 20-20, 22-22 दिन के अंदर अगर घरें बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, पहले ग्राउंड प्लस 2 बन रहा था, 3 बन रहा था, आज 4 और 5 बनने को लगे, बराबर, तुम तो बेच के निकल जाओगे। लोग तो एक एक कॉन्ट्रैक्टर इतने होशियार है कि है ना लिफ्ट का गाला छोड़ दे रहे, बोले लिफ्ट लगने वाला है, ये लगने वाला है, लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे, वो लड़ाई है मेरी, बराबर है। और है ना मेरा ईंट निकल जाएगा, ऊपर से नीचे तोड़ूंगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसके पहले भी 15 में भी वार हुए और आज तक जिंदा हूँ। अल्लाह मतलब जो भी कुछ है ना, हम लोग जो भी करते हैं ना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग पुलिस मतलब किसके बल पे करते मालूम नहीं है, लेकिन हमने आज तक है ना जो भी लड़ाई लड़ी है अल्लाह के भरोसे पे लड़ी है, जो है वो इसका ये नहीं है। लेकिन है ना अपने आंख पे लेने का मतलब तुम पूरा, तुम कौन होता है पूरा, अरे तुम क्या, तुम कौन होता है पूरा पालीपाड़ा का है ना, ये तुमने क्या प्रोटेक्शन मनी लिया है क्या सारे लोगों का, तुमने ये करने के बारे में मैं सवाल कर सकता हूँ, तुमने सारे कॉन्ट्रैक्टर का प्रोटेक्शन मनी लिया। आज है ना ये जो मैंने पॉइंट उठाया है इसके ऊपर बीएमसी के अधिकारी सस्पेंड होने वाले, क्यों मालूम है, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, आज तुम सो के उठ रहे हो क्या कार्रवाई करने के लिए, इतना दिन नहीं बन रहा था तो सोए थे, बराबर है कि नहीं, वो उस सब नहीं होने वाले है तो बीएमसी के ऑफिसर्स लोग फिर भाई है ये कर लेंगे,
फिर और दूसरे लोग वो अपना अपना सोर्स लगा रहे, कोई पॉलिटिकल सोर्स लगा रहा, ये लगा रहा, वो लगा रहा, लेकिन मेरी लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं, वर्किंग से है, क्योंकि तुम्हारे वजह से, बीएमसी के ऑफिसर्स के वजह से गरीब लोग बेवकूफ बन रहे। शब्बीर भाई, आपकी और राजू भाई की इस लड़ाई में जो है इनडायरेक्टली बीजेपी और शिवसेना को फायदा होने वाला है आने वाले इलेक्शन को अगर देखे, और जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए उससे कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल इमेज को खराब करने की पूरी तरीके से साजिश की। देखो ऐसा ये है ना, कोई किसी को फायदा और मेरा और राजू का या किसी का लड़ाई, इंडिविजुअल लड़ाई है ही नहीं, कोई अगर अपने उसको चीज, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं होने के बावजूद धमकियां मिल रही। अरे वो ठीक है ना, जिसकी जितनी सोच है उतनी बात करेगा, बराबर है क्या? नहीं। और दूसरी बात कि किसी को फायदा हुए किसी को नुकसान हुए, ये हम लोग वो चीज़ नहीं सोचते जो, क्योंकि अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी ये लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरे एंटायर पहलीपाड़ा की लड़ाई थी। और तुम लोग भी जाके देख सकते हो ना, पहला तो ग्राउंड प्लस 3 बन रहा था, अभी 4 बन रहा, 5 बन रहा, और वो भी 22 दिनों में बन रहे। जो मैंने सवाल उठाए थे जंगल कट रहे उसके बावजूद, और जो मैंने सवाल उठाए थे उसके ऊपर प्रशासन को, बीएमसी के ऑफिसर्स को ना जवाब देना मुश्किल है, उसके लिए ये सारे माहौल को क्रिएट कर रहा किया जा रहा है। तो उसके अंदर किसी को फायदा बिदा की बात नहीं है, लोगों के हक के लिए, या हो सकता है कि जो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाके बेवकूफ बन रहे, वो लड़ाई अपन लड़ रहे थे, लेकिन ये सारे चीज के अंदर अगर किसी को दुख लगता है तो उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। भाई ये अभी क्यों हो रहा है अभी, मतलब इन जनरल आप ये कार्रवाई करने की मतलब चाहत रखते हैं, और इन जनरल मतलब आप पूरे पहलीपाड़ा को, पूरे पहलीपाड़ा के जो बात है ना, अभी क्यों, मतलब इससे पहले भी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो ही, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ग्राउंड प्लस 2 बन रहा था, 3 बन रहा था, अब ये नया चालू हो गया है 4 बनाना 5 बनाना, उसके बावजूद भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं था बीएमसी मेरे, आप लोग समझ के लो, मेरा घर, मेरा रिलेटिव का घर, मेरे को प्रेशराइज करने के लिए, मेरे को प्रेशराइज करने के लिए जो 5 साल पहले घर बना है उसको तुम लोग नोटिस देते हो, क्यों देते हो? और तुम मतलब ऐसा करके मेरे मुंह को बंद कर दोगे क्या? और ये तुम करने को दे रहे हो, इसके अलावा ये बोलेंगे कि कंप्लेंट आया इसके लिए, 50 कंप्लेंट आ रहे, गली वाले कंप्लेंट कर रहे कि पैसेज बंद हो रहा, बाहर आ रहे, क्या कार्रवाई करती बीएमसी इसके? ये कार्रवाई, ये मतलब मेरे रिलेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर 5 साल पर उसके ऊपर तो एकदम फटाफट एक्शन के लिए मोड़ पे आ गए। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो तुम जिंदगी के साथ में सबके खेल रहे हो उसके ऊपर क्या, ये स्ट्रक्चर तो रहने के लिए बनाया था ना, ये तो तुम बेचने के लिए बना रहे, उसके ऊपर तुम क्या कार्रवाई कर रहे? मतलब वो सवाल मैंने किया, समझा? आज ऐसा नहीं है, और आज भी मैं बोलता हूं कि मेरा इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन बीएमसी के वर्कर्स का, ऑफिसर्स का जो वर्किंग तरीका है ना, वो तरीका गलत है, उनको थोड़ा दिशा दिखाने के लिए ये सारा किया गया, लेकिन उसके अंदर लोगों को अगर तकलीफ हो रही है, बराबर, उसको दिशा को चेंज कर रहे हैं, मतलब माइंड को है ना डाइवर्ट कर रहे हैं, पैसा ये वो, तो अभी उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। शब्बीर भाई, काफी लंबे टाइम से आपके अस्पताल की शिकायत की जा रही थी, अभी जो है आपके रिश्तेदार के घर की भी शिकायत की गई, देखो तो क्या लगता है इसमें राजू भाई का हाथ तो नहीं? देखो किसका हाथ पैर से है ना कुछ लेना, नहीं नहीं अपने को किसी का हाथ पैर से लेना, किसी को इम्पोर्टेंस इतना देने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? गलत अगर मैंने भी किया रहेगा, हॉस्पिटल भी गलत रहेगा, तो उसको भी तोड़ सकते। और ये भी एक चीता कैंप का एक दस्तूर है, और मेरे बारे में है ना किसी के पास कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो वो एक हॉस्पिटल बनाया, वो लोगों के लिए बनाया था, तो मतलब मेरे से लड़ना है तो हॉस्पिटल का कंप्लेंट करो, कर रहे ना कोई नहीं, 3.5 साल से कर रहे वो, उसके बावजूद भी हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ तक। तो अभी देखो देखो यही चैनल अभी है ना, वो एक अलग से भी क्लियरेंस देने का है, या अभी सोसाइटी का मसला चालू था, सोसाइटी के मसले के ऊपर भी लोग मेरे पास आए। शब्बीर भाई ये तो सवाल बनता है ना कि अगर आप सोसाइटी का मैटर लेके आपके पास आए, मींस देखिए पूरे चीता के हमको खबर ये है कि शब्बीर भाई ने ही सबसे, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं
कुछ सोसाइटी के लोग आए, नाम भी ले सकता हूं उसमें, बड़े बड़े नाम है, कि वो लोग आए बोले हम लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे, ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो मैंने फॉलोअप किया, बराबर मैंने फॉलोअप किया, उसको ताला लगा, उसका भी बिल मेरे, अरे कंप्लेंट तो वो लोग ने डाले थे, उसका भी बिल मेरे ऊपर चढ़ा कि मैंने किया, बराबर है, मतलब मेरा फॉलोअप करने से ये सब हो रहा है, तो उसका बिल मेरे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर जिनको पेट दुखा वो मेरे हॉस्पिटल का कंप्लेंट करने को लगे, मतलब कैसा है कि कुछ भी कोई करो तो हॉस्पिटल, तो मैंने है ना आप लोग को आपकी जानकारी के लिए बोलता दो तीन चीज है मेन मेन, कि ये एक तो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का है ना मेरा कोई जाति मफाद तो उसमें है नहीं, ये तो लोगों के लिए अपन ने बनाए थे और लोगों के लिए ही है, जो जो ये मैंने अभी क्या किया मालूम है कि आपको बताता हूँ, ये शिवालय साहब के फंड से बनाए थे, मैं दो दिन इंटरव्यू देने के लिए जो लेट किया ना क्योंकि मेरे को बातचीत भी करनी थी, तो एक तो है ना मैंने ये हॉस्पिटल को डेढ़ दो महीना पहले ही बीएमसी को लिख दिया हूँ कि ये तो लोगों के लिए बनाए थे, अगर हो सके तो यहाँ पे जैसा अभी गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है अपना दवाखाना, बराबर है वो अपना दवाखाना बोल के चालू कर दो, तो मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मेरा जाति है, क्योंकि ये लोगों के लिए ही बनाए थे, मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ उसका लेटर भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ एक, और दूसरी बात उसके बावजूद भी अगर रहेगा तो तोड़ के उसको वापिस से बाथरूम बना दो, मेरे को कोई उसका भी ज़्यादा टेंशन है नहीं, बराबर है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं चीता कैम्प में, कोई बाथरूम बन गया हॉल बन गया, कोई बाथरूम बन के क्या क्या चीज़ बन गया, लेकिन ठीक है अगर सारा चीज़ों का ये है कि किधर भी कुछ करो हॉस्पिटल पे, अरे उसको ही मैंने बोला कि सरेंडर कर देते, बीएमसी को बोला अच्छा बन गया है तुम लोग ही ले लो और चला लो करके, आप लोगों से हमें चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे होशियार लोग चीता कैम्प में हैं, उन लोग ने भी अप्रोच हो वो मदद करो मेरे को कि वो भी मैं ये कर दूँ, क्योंकि वो चलाना है हॉस्पिटल लोगों के लिए चालू किए थे। दूसरी एक मेन बात है, और कुछ सवाल है? हाँ, सवाल मेरा अभी जैसे मतलब आपने फॉलोअप किया, आपने वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए कंप्लेंट किया ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अभी उसका स्टेटस क्या है, मतलब क्या होगा, मतलब उसका? नहीं, वो बीएमसी तय करेगी ना, मेरा क्या लेना देना है, आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं रेगुलर फॉलोअप वगैरह की बात नहीं है, मैंने तो आईना दिखाने का काम बीएमसी को किया है, बराबर है, उसके आगे बीएमसी तय करेगी, क्योंकि बीएमसी तो सक्षम है ना, बीएमसी एक रहने वाले घर को नोटिस दे सकती है, उसको अगर वो गलत है, मैंने मेरे वकील का नोटिस दिया हूँ, मैंने इसका रिप्लाई दिया हूँ, अगर उसमें कुछ गलत लगता रहेगा तो वो घर भी तोड़ सकती है, ये घर को भी, क्योंकि अभी है ना और एक होशियार ये 15-20 साल हो गया, बोलते ये घर को भी कंप्लेंट तोड़ डालो, जो करने का करो ना यार। हाँ, और तुम्हारा शब्बीर भाई आखिरी सवाल, आखिरी, हाँ बहुत लंबा, चीता कैंप के अंदर एक चीज अभी हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर बलवान भी है, दिमागदार भी है, और जो बीएमसी है उसको हाथ के नीचे रख के चलने वाले लोग भी हैं, तो चीता कैंप में अगर ये सब दिग्गज लोग, जितने भी आप लोग दिग्गज लोग हैं, अगर मिल जाए तो चीता कैंप का भला कितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारा चीता कैंप, शब्बीर भाई हमारा चीता कैंप आज 10 साल पीछे चल रहा है अदर जगहों से, तो ऐसा कुछ देखिए अपने दिमाग में लाइए, जैसे अभी आपने बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ठीक है। नहीं नहीं, मैंने बहुत कुछ सोचा था और बहुत सारे चीज के ऊपर मैं काम भी कर रहा था कि रोड का एक्सटेंशन होना चाहिए, नाले का काम कैसे हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा है, वो सारे चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा था। हाँ, एक चीज और बोलने को भूल गया था मैं, कि यहाँ पे ना इतना बड़ा स्कैंडल है ये जगहों का, कि जो 2015 से ऑफिसर्स ये बीए फैक्ट्री में काम पे है, अब 2023 हो गया, मतलब सोचो 3-3 साल में, लेकिन यहाँ पे बदली नहीं होती, वो सारे चीज़ को अपने पॉइंट आउट किए थे मेरे लेटर में, बराबर है, लेकिन उसको कहता है कि ऑफिसर्स का जो ये, लेकिन उसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके लोग कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। और जो तुम्हारा सवाल है कि दिक्कत लोग है यहाँ पे और वगैरह वगैरह, वो तो हकीकत है,
लेकिन ऐसा दिख रहा अभी मुझे कि हर लड़ाई, मतलब हर लड़ाई के अंदर है ना, हर लड़ाई के अंदर मैं ही चाहे आने का कोई होता है तो मैं ये जानने का। मेरे इंटरव्यू के बाद में है ना, जो इंटरव्यू अभी 2-3 दिन पहले, मेरी बच्ची सुन रही थी, 6 साल की थी, वो है ना मेरे को सवाल करती है। अपन तो है ना तुम्हारे मीडिया को भी जवाब दे सकते, बच्ची बोलती है ऐसा कैसा बोल रहे ले अंकल, बराबर है। तो ये सारा चीज के ऊपर, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, आजकल छोटे बच्चों को भी दिमाग होता है, अपन चैनल के ऊपर है ना जवाब भी दे सकते और सारा चीज कर सकते। जैसा बड़ी बड़ी बातें कोई करता है ना, तो जो जो भाषा में जो जो बात करता है ना, वो भाषा में उनको जवाब दिया जा सकता है। लेकिन कहता मालूम है कि अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, इसलिए है ना अभी मैंने ना आपको बताता हूँ, ये आज मेन था, आप लोगों को भी नहीं मालूम था, मैंने ना एक चीज़ का फैसला किया है 2-3 दिनों में। मैं तो उसी दिन मिलने वाला था सबको कि हर लड़ाई हमने लड़ने का, हर चीज़ करने का, 17-18 घंटा हम लोगों को देते, सवेरे से शाम तक हम अवेलेबल रहते, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें। मैं देखूंगा आगे, मैं वकील से मेरी बात करके डिफॉर्मेशन फाइल करने का कि नहीं करने का, या तो जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उन्होंने सिद्ध करना चाहिए या तो ये। मगर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया हूँ कि कल एक मास था, मैं मेरे सोसाइटी जो अमरनगर सोसाइटी है ना, उसका 24 साल हो गया मैं सेक्रेटरी हूँ, यानी कि 24 साल से, यानी कि अपन बच मतलब छोटे यंग एज से अपन राजकारण में, मतलब सोशल फील्ड में है। तो मैंने एक चीज़ का बहुत बड़ा फैसला किया हूँ कि आज से, आज 2 मार्च 2023, आज से मैं मेरे सोशल और पॉलिटिकल कैरियर को मैं एंड करता हूँ, समझे। आज के बाद में मैं कोई भी सोशल काम में और पॉलिटिकल में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि क्योंकि बात कहाँ से, मतलब कुछ होनी चाहिए, कुछ होती अलग है इसके लिए। और दूसरी बात, आने वाले इलेक्शन में जहाँ तक जो बात की है, देखेंगे इलेक्शन का वक्त आने दो, होता है कब होता है कैसा होता है वो देखेंगे, किसको सपोर्ट करने का। 99% है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सब लोग बोलते थे ना कि बोलता है खाली, मैं आज चैनल पे बोलता हूँ कि इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का वक्त आएगा तभी बैठ के डिसाइड करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो लोग से कांटेक्ट करेंगे बाद में। अभी तो मैंने ये निर्णय में किसी को भी है ना, ये पहले टाइम आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने फैसला किया है। और मेरे इतने बड़े लंबे कैरियर में हो सकता है बीएमसी के ऑफिसर से लड़ा, क्योंकि ऑफिसर से लड़ना तो अपना एक पेशा था। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हर्ट किया होगा, बीएमसी के, पुलिस के और भी, तो किस मतलब ये तो अपनी कोई इंडिविजुअल लड़ाई तो थी नहीं, ये लोगों के लिए थी। तो अगर उनके उनको भी कुछ हर्ट हुआ रहेगा तो उनको भी सॉरी बोलता हूँ। और नहीं नहीं हार मानने की बात, लोगों की उम्मीदें भी आपसे बंधी हुई है, अगर वो बात इमोशनली फैसला लेंगे तो नहीं नहीं, हार मानने वाली बात नहीं है शब्बीर, हार मानने वाला चीज नहीं है, बराबर है। और तोहमत लगाने वाला कौन लगा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, उसका मैं बोल मतलब उसका मैं उस बात को तवज्जो देता नहीं हूँ। मगर हर गलत चीज, इतनी चीजें, नालों पे गटर, नालों पे घर बन रहा, गलियां बंद हो रही है, सिर्फ मैंने ठेका लेकर रखा हूं, हाँ कोई किस, तो मैं क्यों बार बार एक ही चीज को ये करने का, सोसाइटी के मसले होने दो, ये सारे मसले दो, मैं क्यों पार्टी हमेशा बनने का। इसके लिए हॉस्पिटल का जो है बहुत जल्दी अपन उसका भी फैसला कर लेंगे थोड़े दिनों में, मैं तो बीएमसी को भी सरेंडर कर रहा हूँ और दी एंड। हो सकता है कि ये शब्बीर भाई आप
ऐसा बोल रहे हैं, मगर हम तो आपसे मिलते ही रहेंगे और नहीं, हम चाहेंगे मिलेंगे क्योंकि तुम भी चीता कैंप में रहते हो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ना आपको बताता हूँ, हो सकता है कि ये मेरा लास्ट इंटरव्यू, इसके बाद में मैं पॉलिटिकली और सोशली कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आवाम के लिए आपको आना ही होगा। नहीं, 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 भाई। वो बात, वो अभी नहीं, आवाम के लिए आना होगा। आवाम कौन सा मेरे पीछे भाग रही है? नहीं, काफी लोग आपके, और सवाल उसमें भी ये भी था ना, कौन सा जीत गए, क्या है, चौथे नंबर पे, ये वो, बराबर है, हकीकत है, ये हकीकत भी है ना। लेकिन काफी लोग आपके डोर पे आज भी आते हैं। ठीक है ना, देखेंगे। उन लोगों की उम्मीदें बंधी हुई है, अगर चंद लोगों की वजह से, अगर चंद नहीं, क्या है मालूम है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वो बाद में, अभी है ना इस चीज का नहीं, देखिए सॉरी, इस चीज के ऊपर मैंने है ना फैसला ले लिया, अभी बाद में ठीक है, थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारे ये हो गए हैं, तो बाद में है ना देखेंगे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो इस चीज के ऊपर अपन भूल गए, थैंक यू। अभी और एक चीज है कि हो सकता है कि मेरे इसमें रहते हुए बहुत सारे लोगों को मैं, हाँ, जितना चीज डालने का था मैंने डाल दिया ये सारा चीज, अभी मैं, हाँ, अभी इसके आगे कोई फॉलोअप नहीं लूंगा क्योंकि अभी सोशल फील्ड में हूँ नहीं, तो नहीं लूंगा। और जिसको भी क्या करना है वो करे, मेरे घर का कंप्लेंट हुआ या मेरा कुछ भी हुआ तो उसको कैसा निपटारा करना उतना तो मैं, मेरा तो हक भी बनता है ऐसा ही इंडिविजुअल, उतना मैं करूँगा। हो सकता है कि मेरे जाने अनजाने में है ना लोगों किसी का भी दिल दुखाया रहेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरी बातों को खलास करूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।